दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। आपने बैनर पे देखा कि बार बार सिम कार्ड ना खरीदें, इसके तहत मैं आपको टोटल जानकारी बताऊंगा कि क्या आपको बेनिफिट होगा और किस प्रकार से आप जो है अपना खुद का नुकसान खुद कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास सपोज दैट कोई भी सिम कार्ड रहता है और वो बंद हो जाता है तो आप उसे निकलवाने की कोशिश नहीं करते हैं और आप डायरेक्टली उसे जो है नया सिम कार्ड परचेज कर लेते हैं ऑफर के तहत, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। आप ट्राई जो रूल होता है कंपनी का, उसमें आपने देख चुका है कि किस प्रकार से सभी को जोर दिया जा रहा है कि नौ सिम कार्ड से अधिक सिम कार्ड इशू है तो आपको बिना बताए आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा। इसके तहत आपको एक जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से आपको दोबारा सिम ना ओपन करवाकर वही सिम कार्ड आपको ओपन करवाना चाहिए। बहुत ही आसान होता है ओपन करवाना। मैं आपको बता दूं कि यदि आपका सिम कार्ड आपके आईडी पे नहीं है, आप डर रहे हैं और बहुत साल से यूज कर रहे हैं, तो आपको सिंपली उसका प्रोसेस होता है, आप यदि अदर कंपनी में पोर्ट करेंगे उस नंबर को तब आपका सिम कार्ड आपके नाम पर हो जाएगा, आधार कार्ड लगेगा तो आपका सिम आपके नाम पर आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, सिम चालू रहेगा तभी आपके नाम पर होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब बात आती है कि मैं बंद सिम कैसे निकलवाऊंगा। सभी कंपनी का रूल बता देता हूँ। एयरटेल के लिए बहुत आसान है। एयरटेल के लिए नज़दीकी जो एयरटेल का दुकान वाले होते हैं जो सिम ओपन करते हैं, वो भी आपका सिम कार्ड 50 से 100 रुपये में ओपन कर देगा, जो आपका नंबर बंद रहेगा लेकिन आपके आईडी पे होगा तभी आपका ओपन होगा। बात करते हैं दूसरा जियो के लिए। जियो के लिए नज़दीकी जियो ऑफिस सेंटर बना है, हर एक एरिया में बना है, वहाँ पे पता कर जाकर आप निकलवा सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, वो भी निकल जाएगा। बीएसएनएल के लिए कुछ कंप्लेंट करना पड़ता है, उसके स्टोर पे जाना पड़ता है, तो थोड़ा टफ होता है लेकिन वो भी निकल जाता है। और आइडिया वोडाफोन भी बहुत आसान होता है, 100-150 रुपये में नज़दीकी आइडिया स्टोर वाले आपका VI वाले ओपन कर देंगे आपका सिम कार्ड। तो आप कोशिश करिए अपना बंद सिम कार्ड आसानी से ओपन करवाइए। हाँ, आपके आईडी पर रहेगा तभी ओपन होगा। यदि आपका सिम कार्ड चालू है तब आप अपने आईडी पर करवा सकते हैं, यदि दूसरे के आईडी पर है। फिर भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया अपडेट पाने के लिए।